सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। ना हथियार से मिलती है ना अधिकार से मिलती है, दिलों में जगह हमारे व्यवहार से मिलती है। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता समझा जाता है। प्रार्थना करने के लिए व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं है, ईश्वर का व्यक्ति के मन में होना आवश्यक है। स्वाद जिंदगी के लो दोस्तों, किसी के भरोसे के नहीं। आज का पंचांग 23 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात्रि 2:31 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघ नामक नक्षत्र रात्रि 3:50 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:20 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:55 से 12:43 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। मांग श्राद्ध पक्ष के शुभ अवसर पर सभी लोगों को उनके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो, यही है हमारी शुभकामना। मीन राशि 23 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार, रिश्तेदारों या पति पत्नी के साथ मतभेद आपको परेशान कर सकते हैं। आप आर्थिक हानि को लेकर भी चिंतित हो सकते हैं। आज भविष्य की योजनाएं बनाएं, भविष्य में समृद्धि और शांति के लिए कानूनी या व्यवसायिक व्यवस्थाएं आज कर लें। कई व्यस्त दिनों के बाद आज आप अपनी प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहेंगे। घर और काम में संतुलन रखते हुए अपने आप को ना भूलें। आराम करें और मनोरंजन के लिए समय निकालें। कोशिश करते रहें, कभी विश्वास करना ना छोड़ें, कभी हार ना मानें। विश्वास रखें आपका दिन जरूर आएगा। कुछ समय अपने मन मुताबिक गतिविधियों में समय व्यतीत करने से ऊर्जा और प्रफुल्लित महसूस करेंगे। अधिकतर कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे। हालांकि परिश्रम और मेहनत की अधिकता रहेगी। विद्यार्थी तथा युवाओं को अपनी प्रोजेक्ट में उचित सफलता मिलने से सुकून रहेगा। परिवार के लोगों के सामने अपनी समस्याओं को रखने से उनका साथ प्राप्त हो सकता है। भविष्य संबंधी चिंता करने का ये समय नहीं है। अपने वर्तमान को सुधारने पर ध्यान देना होगा। आपकी हर एक छोटी आदत जीवन में क्या बदलाव ला रही है, इस बात को समझने की कोशिश करें। विदेश में शिक्षा लेने वाली विद्यार्थियों को पढ़ाई पर और ध्यान देने की आवश्यकता होगी। परिवार के लोगों द्वारा सुझाए गए रिश्ते पर ध्यान जरूर दें। सावधानियां। आर्थिक परेशानियां आपके कार्यों में आएगी। परिवार में आपसे सामंजस्य की कमी की वजह से कुछ नकारात्मक वातावरण बन सकता है, जिसका असर सबकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। इसलिए उचित व्यवस्था बनाकर रखना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार से संबंधित संघर्षों का सामना करने के लिए अभी समय सर्वश्रेष्ठ है। चाहत की राह से घबरा रहे हैं तो खुद पर विश्वास रखें और यह सोचिए कि आपके जैसे इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो वो सब मिलेगा जिसके आपको इच्छा है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी से आज आप मुक्ति पाकर अपने परिवार और जीवन साथी के साथ रहना चाहते हैं। यह क्षण आराम, आनंद और उपभोग से भरे हुए हैं। आपके निस्वार्थ प्रेम, मोहब्बत और योग्यता को देखकर सब आपको सराहेंगे। अगर कोई क्यूटी आपसे फ्लर्ट करे तो हैरान ना हो, आपका कूल और चार्मिंग व्यक्तित्व है ही ऐसा। बात करते हैं करियर की। सार्वजनिक दुश्मन या राजनीतिक विपक्ष आज आपका नुकसान करने की योजना बना सकते हैं, लेकिन आप अपनी समझदारी से हर समस्या को हल कर सकते हैं। कानूनी समझौते या ट्राई अभी आपको चिंतित कर सकते हैं,
करियर के साथ साथ अपनी प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताएं। आज प्यार और घर के प्रति आपकी जिम्मेदारियां आपको थका सकती है, इसीलिए यह समय थोड़ा आराम करने का है। अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताएं। हालांकि आपका अधिकतर ध्यान आज अपने पेशेवर जीवन, क्लाइंट या सहकर्मियों पर है, लेकिन उन्हें ना भूलें जो आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। घर और काम में संतुलन बनाए रखें। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती है, इसलिए अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाएं और अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। आंखों की जलन तकलीफ का कारण भी हो सकती है। आज का उपाय, आज अब गरीबों को चावल का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।